हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हमने वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स की बात की थी इससे पहले, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड जो भी छोटा बड़ा जो भी अपडेट आता है हम वो डिस्कस करते हैं। और इस टाइम पे ओआरओपी जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों में जो है चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एक कमेटी बैठी थी उनका अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को कि वो मिलके ओवरओपी का केस जो भी एनोमलीज हैं वो रिजॉल्व करें। और इससे पहले अगर हम बात करें कि ओआरओपी की क्या स्टेटस था, तो बात की जा रही थी कि ओआरओपी का केस लिस्ट ही नहीं किया गया था, और उस टाइम पे कुछ फास्ट ट्रैक कोर्स केसेस चल रहे थे इसकी वजह से। तो लगभग जो है 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ओआरओपी के कोई अपडेट नहीं आ रहे थे। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फ्रंट पे अगर बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है डिलेड, उसके बाद से जो कमेटी ने रिपोर्ट की थी वो रिपोर्ट भी जो है प्रॉपर नहीं थी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एनोमलीज बताई थी वो भी उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। और सबसे मेन मुद्दा जो था वो ये था कि नेक्स्ट हियरिंग का क्या केस है। तो हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली अभी अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है वो क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है जो एक्स सर्विस मैन जो वेलफेयर है, जो कि पिछले कई दिनों से 1600 डेज पूरे कर चुका है, वो लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं और लगातार जो है अलग अलग जो है कदम उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सभी अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अभी जो मैसेज आ रहा है वो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ओआरओपी का केस लिस्ट नहीं हो रहा था, अब जो है ओआरओपी केस इज लिस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो है लिस्ट कर दिया गया है ऑन 4 दिसंबर। और इसी के वजह से जो है अब आगे जो है कोर्ट में क्या कार्रवाई करनी है इसके ऊपर जो है एक्स सर्विसमैन का जो वेलफेयर है या यूनियन है वो इस पे काम कर रहे हैं, जिससे कि इसको जल्दी से जल्दी अब जो है कोर्ट के थ्रू जो है इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि अब वो उसको लिस्ट कर दिया गया है, और लिस्ट के बाद से अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा। और आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जाता है तो जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये था ओआरओपी से रिलेटेड आज का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।